फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही चीज़ी और क्रिस्पी वेजिटेबल लॉलीपॉप्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में जितने टेस्टी हैं, बनाने में उतने ही आसान होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। बॉइल्ड पोटैटोज हैं, स्वीट कॉर्न, ये अनियंस, कैप्सिकम और ये मोज़रेला चीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे आलू हैं उनको ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस की मदद से। आलू है जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है और अब हम इसमें हमारी सब्जी ऐड कर लेते हैं। तो पहले हम ऑनियंस ऐड कर लेते हैं, कैप्सिकम। सब्जियां आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये स्वीट कॉर्न्स और अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करते हैं। तो ये एक छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक आप टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, गरम मसाला और ये आधी चम्मच काली मिर्च। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा। अब हम इसमें चीज ऐड कर देंगे, जो मोज़रेला चीज लेके रखी थी हमने, वो इसमें ऐड कर देते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स या फिर ओवल शेप में आप इसको इस तरीके से शेप दे देंगे, इस तरीके से आप इनको शेप दे देंगे। जैसे सारे जो ये शेप्स हैं वो दे दिए हैं। अब मैं इसमें ये हमारी आइसक्रीम स्टिक्स जो है वो लगा देंगे, जिससे कि ये लॉलीपॉप की शेप आ जाए। तो इस तरीके से लेके और आप इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे और फिर इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें, जिससे कि इसके अंदर रहे। इसी तरीके से आप अपनी सारी लॉलीपॉप्स तैयार कर लेंगे। सारी लॉलीपॉप्स बनके जो है वो तैयार है। अब इनको डिप करने के लिए हम मैदे और कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाएंगे। तो ये एक बड़ा चम्मच मैदा लेंगे और ये कॉर्नफ्लावर और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। पानी ऐड करके और इसकी स्लरी बना देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर रहे हैं जिससे कि इसमें लम्प्स ना रहे। तो ये स्लरी हमारी तैयार है, इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। तो अब इसको क्रिस्पी क्रंची फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। आप अगर चाहें तो ब्रेड क्रम्स का भी यूज कर सकते हैं। हम इनको थोड़ा सा इस तरीके से इनका चूरा कर लेते हैं। इसको अच्छे से इसमें डिप कर लेंगे, चारों तरफ कोटिंग कर लेंगे और फिर इसको कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से इसके चारों तरफ लगा देंगे। तो ये इस तरीके से हमने सारी लॉलीपॉप्स पे जो है वो कोटिंग कर दी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। लॉलीपॉप्स हमने फ्रीजर में रखे हैं, तब तक हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। फ्रीजर से बाहर निकाल लिए और तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये स्टिक के साथ ही हमें डीप फ्राई करने हैं। तो इसको इस तरीके से तेल में डाल देंगे। साइड चेंज कर लेते हैं, देखिए आंच सिम कर देंगे। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ठीक है। तो ये सिम आंच पे बना इसको सेक लेते हैं, ठीक है। तो इसे गोल्डन ब्राउन हो गए और ये बिल्कुल फ्राई होके तैयार है। अब हम इनको निकाल लेते हैं।
इस तरीके से हम हमारे सारे लॉलीपॉप्स जो हैं वो तल के तैयार कर लेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।